इट इज़ वेरी नाइस कि जूम के जरिए हम भले डिस्टेंस दूर है लेकिन हम आपस में मिलते हैं, बाबा के ज्ञान की कुछ लेन देन करते हैं। और आज का विषय भी बहुत अच्छा है, नकारात्मकता को कैसे हम सकारात्मकता में, नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। एंड मैं जस्ट थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा था इस टॉपिक पे स्टडी इवनिंग, और हमने सोचा कि बाबा जो ज्ञान देते हैं, इनफैक्ट अगर सार देखेंगे हम तो यही है कि हम कलयुग के अंदर कहो या आयरन एज में कहो, हम इतने नेगेटिविटी से घिर गए हैं कि उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में कन्वर्ट करना जो बाबा कलयुग को सतयुग में ला रहे हैं। तो एसेंस ज्ञान का वही है कि हम कैसे पॉजिटिव एक लाइफस्टाइल जिए, और जो टूल्स बाबा बताते हैं हमें, जो टेक्निक्स बताता है, वो इतना पावरफुल है कि अगर हमें वो ध्यान रहती है या फिर अगर हम उसे अप्लाई करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वो अविनाशी होती है, जो प्राप्ति होती है वो अविनाशी होती है। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक तो जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे जो नहीं होते उनके लिए तो बहुत मुश्किल होती है, बट बाबा के बच्चे होते हैं उनके लिए डेफिनेटली एक मुरली एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहता है। डेली मुरली अगर कोई सुनता है तो मैं समझता हूँ उसे इतना चैलेंज नहीं होगा कोई भी नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, कुछ भी नकारात्मकता को पॉजिटिव सकारात्मकता में कन्वर्ट करना। बिकॉज बाबा रोज हमें कुछ ना कुछ टूल्स, कुछ ना कुछ टेक्निक्स ज़रूर बताते हैं, और वो हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने में, आगे प्रोग्रेस करने में। सो बट स्टिल देखते हैं कि कभी कभी बीके लाइफ में भी कुछ कुछ चीज़ें आ जाती है हमारे जीवन में, कुछ कुछ चीज़ें हम देखते हैं, मे बी हमारे खुद के अंदर, मे बी हमारे फैमिली में, मे बी सेंटर पे, मे बी वर्क प्लेस पे। तो सिंस इतना सारा नेगेटिविटी है, इतना सारा मिक्स्ड पीपल रहते हैं हमारे आजू बाजू, कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उन चीज़ों का आ जाता है। तो इट इज़ वर्थ रीलुकिंग, वर्थ रिविजिटिंग कि हमारा कैसा बिलीफ सिस्टम है, हमने बाबा के ज्ञान को कैसे अप्लाई किया है, एंड हाउ क्विकली हम पॉजिटिव साइड को आ जाते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं ना कभी कभी कि आपको 10 सेकेंड लगता है व्यर्थ से मुक्त होने में, 30 सेकेंड लगता है, 1 मिनट लगता है। सो जितना हमारा वो ड्यूरेशन कम होगा, एंड मे बी एक स्प्लिट सेकेंड में अगर हम तुरंत व्यर्थ को बंद करके एक पॉजिटिव संकल्प कहो या फिर उस स्थिति को परिवर्तन करें, तो दैट टाइम फ्रेम जितना कम होगा उतना, यू नो, आई थिंक वी कैन मेजर आर सक्सेस, वी कैन सी फॉर आवरसेल्फ्स कि हम कितना उसके अंदर बेनिफिट पाए हैं। तो मे बी आई कैन शेयर सम, आप सभी को पता ही है ये सब, आई माइट नॉट बी शेयरिंग समथिंग वेरी न्यू, बट जो बाबा ने जो टूल्स बताए हैं, आई विल ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस, जो मेरे जीवन में कुछ अनुभव है उससे रिलेटेड, एंड हाउ समथिंग्स वर्क फॉर मी इन दिस जर्नी, क्योंकि बीके जर्नी में है और कुछ जर्नी बीके लाइफ के पहले भी थी। हम सब एक अलग अलग जर्नी से गुजरे हैं, हमारे सभी के जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जो एक प्रकार से डीमोटिवेट करने वाले होते हैं, कभी कभी हताश करने वाले होते हैं, एंड वो सिचुएशंस को लेकर हम कैसे पॉजिटिव साइड उसका रुख करते हैं, दैट फिल्स अस विथ पावर, दैट फिल्स अस विथ होप्स, और वो हमें और आगे बढ़ाता है। तो लेट मी शेयर सम 6 to 7 चीजें जो विच वर्क फॉर मी इन दिस जर्नी टू कन्वर्ट नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। तो पहला चीज मैंने देखा है कि वन शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, क्योंकि बहुत बार जब नेगेटिविटी में हम आते हैं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो कुछ भी हो सकती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इट कुड बी एज सिंपल एज क्या भोजन बनाए हम, है ना,
and it could be as difficult as, you know, maybe country ka financial crisis, ya kisi ke job nahi hai, it could be anything. But once we have a mind of solution oriented, mana निवारण स्वरूप जिसको बाबा कहते हैं, समस्या स्वरूप नहीं बनना बट निवारण स्वरूप बनना, तो वो हमें बहुत बेनिफिट करता है सकारात्मकता में लाने के लिए. तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. आई हैव लर्न्ड दिस फ्रॉम माय पेरेंट्स. मेरे जो माता पिता थे उनसे मैंने ये चीज काफी सीखी. तो लेट मी tell you something about myself. Didi ne वैसे introduction दिया है, लेकिन let me give you some introduction which some of you might not know. कि you must have seen मेरी जो skin है वो white है. I am like we are called albino. Albino एक disease नहीं कहते, deficiency कहते हैं. एक melanin pigment रहता है जिसकी deficiency skin में होने के कारण we don't get a brown layer. ऐसे मत समझना कि video के अंदर हमने बहुत bright किया light. Actually skin वाइट है. एंड इसके साथ साथ क्या है कि इवन आई हैव अ विजन चैलेंज, मुझे दिखने की समस्या होती है. और डॉक्टर्स हैव सर्टिफाइड दैट आई कैन नॉट सी 90%, आई कैन जस्ट सी 10-15%, 10-15% ही मुझे दिखता है. और वैसे मैं लीगली ब्लाइंड हूँ, बिकॉज जिसको भी 75% के ऊपर नहीं दिखता है एज पर इंडियन गवर्नमेंट दे आर काइंड ऑफ ब्लाइंड. तो लिगरी ब्लाइंड मुझे बहुत कम दिखता है. मान लीजिए 3-4 feet का ही मैं देख पाता हूँ बड़े ऑब्जेक्ट्स. और जो छोटे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं या जो छोटी लिखत होती है, आई टेक इट वेरी क्लोज. मतलब मैं इतना नजदीक, जैसे ये फोन है, आई टेक इट लिटरली 1 centimeter क्लोज. और बहुत बड़ा स्क्रीन मुझे रखना पड़ता है, फॉन्ट साइज भी बड़े रखने पड़ते हैं, सो दैट मैं चीजें देख पाऊँ. तो ये अभी नहीं हुआ है, ये बचपन से था, राइट फ्रॉम माई बर्थ. और यू नो बचपन से फिर चैलेंजेस आना शुरू हो गए, नकारात्मकता मे बी फ्रॉम पीपल, मे बी फ्रॉम सिचुएशंस आनी शुरू हो गई. तो जब हम छोटे रहते तब तो हम इतना जानते नहीं है, राइट? तो बिकॉज इतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है. तो ये पेपर्स सबसे पहले मेरे पेरेंट्स पे आए. पेरेंट्स वर लाइक अरे लाइक यू कैन जस्ट विजुअलाइज की इनटू हॉस्पिटल एंड पीपल आर वेटिंग फॉर अ young kid and you know someone like me takes a birth and definitely ek shock hoga ki bhai are you know aisa kaisa hai. And right from that time papers shuru ho jate hai ya fir challenges shuru ho jati hai, maybe not for me but for my parents. To wahan par maine dekha ki how they took these challenges as opportunity and by using बाबा का प्रिंसिपल, समस्या स्वरूप नहीं लेकिन निवारण स्वरूप बनना, उन्होंने कैसे इसको डील किया. बिकॉज मैंने देखा है एंड काफी सुना भी है कि इंडिया के अंदर कभी कभी अच्छे फैमिलीज के अंदर अगर कुछ, या इवन मेडिकल मिडिल क्लास फैमिली में कुछ बेबीज अगर डिफॉर्म होते हैं या कुछ होते हैं, तो पीपल जस्ट गेट रीड ऑफ देम, यू नो दे माइट जस्ट बरी देम, दे माइट किल देम और they might leave them somewhere. तो ऐसा भी मैंने कई केसेस सुने हैं. बट when such thing happened, someone told my mother कि you know God has gifted you with a very special child और you know you have to take this as a challenge. Don't get upset कि भाई क्या होगा, ऐसा क्यों है. अगर भगवान ने आपको दिया है ऐसा बच्चा तो आपको वो एक शक्ति भी देगा उसे बढ़ाने की. एंड यू नो लाइक मम्मी मुझे बताती है, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे तो पता नहीं होगा उस टाइम पे क्या होगा हुआ होगा, बट मम्मी टोल्ड मी कि एंड आई थिंक शी वाज सम कैथलिक लेडी, बट उसका बहुत फेथ था गॉड के ऊपर. एंड उन्होंने मम्मी को बताया था और मम्मी वॉज लाइक कि नहीं, भगवान ने जो भी दिया है आई एक्सेप्ट इट, यू नो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस. और कम वॉट में आई विल ग्रो माई चाइल्ड, आई विल मेक हिम एबल, ऐसा उन्होंने उस टाइम पे ही निर्णय लिया. एंड उस टाइम पे इनफैक्ट उनको ये भी नहीं पता था कि यू नो हाउ मच आई कैन सी एंड क्या चैलेंजेस है.
बट डॉक्टर्स न्यू बिकॉज डॉक्टर्स को तो थोड़ा आइडिया रहता है ना कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं दे कांट रियली सी वेल एंड थिंग्स लाइक दैट. तो इवन दे हैड अ डाउट कि whether I can really see or not. So they took a torch and वो torch की light left right कर देते अंधेरे room में. तो जब left करते थे तो then I used to see left and right करते थे. तो they just got a idea कि भाई कुछ तो दिखता है प्रफुल को, you know. So but yeah, कितना दिखता है क्या दिखता है they couldn't really know that. And they started grooming me. धीरे धीरे मैं बड़ा होना शुरू हुआ. And I went to the junior KG, lower KG and whatever the nurseries hoti hain. And gradually, even for that, my mother did a lot of effort. Ki bhai mujhe bahut sare books laakh laakh ke mujhe sikhate the ki main interview mein pass ho jao. And I can, you know, beat others. Matlab, meet the admission criteria. And bahut efforts liya. And then luckily, I even got an admission. और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया. एंड दैट इज वेयर देन आई रियलाइज्ड कि बाकी जो बच्चे होते हैं वो अपने अपने बेंच से ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं. आई कुडंट सी थिंग्स. एंड इवन मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था, फर्स्ट बेंच पे भी बैठकर फर्स्ट बेंच से ब्लैक बोर्ड मुश्किल से 4-5 feet की दूरी पर थी, बट आई कुडंट सी थिंग्स. मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, खाली आई कुड सी सम वाइट कुछ चौक से लिखा हुआ ऐसा होता था, बट एक भी अक्षर पढ़ नहीं पाता था. तो मैं टीचर को बोलता था, टीचर मुझे क्या लिख रहा है समझ में नहीं आता. आई हैड टू गो वेरी क्लोज टू ब्लैक बोर्ड, लिटरली 1 feet नजदीक अगर जाऊं तो ही मैं देख पाता था. और बार बार तो जाना अच्छा नहीं लगता था ना, एक क्लास बैठा है 50 students का एंड आई गो इन फ्रंट बार बार, इट डजंट साउंड, मतलब दिखता भी अच्छा नहीं है और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होता था. तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्लास में इतना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता था एंड थिंग्स डिडंट वर्क फॉर मी. तो मैंने मम्मी को बताया तो इवन दे रियलाइज्ड कि अच्छा आई कांट सी मच. तो वो फिर आते थे क्लास में एंड वो मेरे नोट्स लिखते थे. जब भी क्लास पूरी हो जाती थी माता जी आते थे और वो मेरे सारे नोट्स जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ होता था वो कॉपी करते थे, या फिर अगर किसी दूसरे के नोटबुक में लिखा हुआ होता था तो वो कॉपी करते थे. एंड एक घंटा बैठते थे जितना भी समय होता था, फिर घर जाते थे, फिर वो चीज़ मुझे वो बड़े बड़े अक्षरों से नज़दीक लेकर पढ़ाते थे. तो दैट इज़ हाउ मेरा एजुकेशन हुआ व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल. और मेरे टीचर्स पेरेंट्स को कहते थे कि भाई ठीक है, अभी आप इस प्रकार से नोट्स निकाल के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, अभी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, बट व्हाट विल हैपन गोइंग फॉरवर्ड, जब आपका बच्चा 5th standard में जाएगा, 10th standard में जाएगा, तब तो यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप बिकॉज कितना आप लिखोगे एट द एंड ऑफ द डे. तो टीचर्स का कहना भी सही था उनके हिसाब से, बिकॉज दे न्यू द बिगर पिक्चर. बट माय पेरेंट्स वर लाइक नहीं, जो भी है, यू नो दैट वाज अ चैलेंज, यू नो, वो नकारात्मकता से भर रहे थे. बट उसी को मम्मा ने सकारात्मकता में लिया कि नहीं, जो भी है आई विल टीच माय चाइल्ड, समथिंग विल हैपन, व्हाई शुड आई. बिकॉज टीचर्स का कहना वही था कि देयर आर सम डिफरेंट स्कूल्स मेंट फॉर दिस पीपल, यू शुड ट्राई दैट स्कूल, बिकॉज अगर आपका बच्चा इसी स्कूल में बड़ा होगा तो जब वो कंपेयर करेगा अपने को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर में, तो उसे बहुत इन्फेरियरिटी लगेगी कि भाई मैं ये सब चीज नहीं कर सकता हूँ और बाकी सब कर सकते हैं. So better है कि you change school and you put him to a different school, which probably कुछ parents करते भी होंगे. But my mother was नहीं कि I will bring him up in a normal school, और normal school में इसकी पढ़ाई वगैरह होगी जितना भी हो सकते, जितनी मेरी पढ़ाई हुई भी है. मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा educated नहीं थी, of course she was graduated, but जितना भी उन्होंने बोला कि मैं कर सकूँगी, she will do. ऐसा बोल के उन्होंने आगे बढ़ा. एंड दैट इज वेयर देन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग एंड शी टुक माई स्टडीज. एंड मैं जैसे जैसे बढ़ते गया तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ना तो मुश्किल था, तो शी इज टू रिकॉर्ड थिंग्स इन ऑडियो कैसेट्स. तो ऑडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड करते थे. ऑडियो कैसेट्स आप में से जूनियर को पता होगा, अभी तो खैर देखने नहीं मिलता है, एक टेप रिकॉर्डर होता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई इंटरनेट वगैरह नहीं था. दिस इज लॉन्ग बैक इन 90s.
ना तो इंटरनेट था, ना कंप्यूटर था, ना कोई फोन होता था, ना कोई कैमरा होता था. इट वॉज जस्ट टेप रिकॉर्डर, एक छोटा सा वॉकमैन टाइप होता था. तो मम्मा उसमें रोज मॉर्निंग में रिकॉर्ड करती थी एंड वो सुन सुन कर सुन सुन के आई टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स. तो कहने का भाव यही है कि कैसे प्रॉब्लम्स आते थे और उस प्रॉब्लम का निवारण पेरेंट्स ढूंढते थे, और वो सेम संस्कार फिर उन्होंने मेरे अंदर डेवलप किया. जैसे एक और आपको एग्जाम्पल बताता हूँ स्कूल डेज का ही. मेरे जो पेंसिल्स पेन होते थे ना बैग के अंदर, वो गिर जाते थे और मुझे पता नहीं चलता था किधर गिर जाते थे. कभी कभी आई शुड टेक लॉट ऑफ केयर, बट कभी कभी गिर जाते थे. अभी ऑब्वियसली लिखते लिखते गिर सकती चीजें, और अभी नीचे गिर के कभी कभी वो रोल होके कोई दूसरी जगह चले जाता था. कभी कोई किड होता था, वो उसको किक मार के और किधर फेंक देता था, या कोई स्टील कर लेता था एंड मुझे पता नहीं चलता था भाई किधर गया पेंसिल पेन. मैं अपने कुछ बच्चों को पूछता था, भाई मेरे पेंसिल गिर गया, कैन यू हेल्प मी विद दैट. सम वुड हेल्प मी, सम वुड मॉक एट मी, मतलब कुछ मजाक उड़ाते थे एंड मुझे वो मिलती नहीं थी चीज. और मैं जब भी घर जाता था, मम्मा बैग चेक करती थी, कितने बुक्स दी, कितने बुक्स लाया है, और वो पेंसिल मिसिंग है, रबर मिसिंग है. तो मेरी क्लास लगाती थी, अरे किधर गिरा है, क्या किया, ध्यान क्यों नहीं देते हो. मैंने बोला मम्मा मैंने तो ध्यान दिया था बट वो गिर गया, मैं क्या करूँ. तो यू नो अभी उसका कैसा सोल्यूशन निकाले. तो उन्होंने क्या किया, एक तार लिया, पेंसिल को तार से बांधा और तार मेरे बैग को बांध के रखा. अगर गिरेगा पेंसिल तो ऑन बेसिस ऑफ दैट वायर केबल के जरिए मैं उस पेंसिल को उठा पाऊंगा. नो तो अगेन कैसे उन्होंने समस्या को समाधान स्वरूप में किया. तो ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स जो था वो निकल गया एंड देन फ्रॉम दैट डे आई कुड मतलब मेरी पेंसिल फिर कभी घूमी नहीं, क्योंकि वो तार से बंधी हुई थी. अगर गिरता था तो ऑब्वियसली मुझे ईजी हो जाता था मिलना. तो इस प्रकार से इट वॉज इंटरेस्टिंग स्कूल लाइफ. काफी चीजें देखने मिली, सीखने मिली, और धीरे धीरे जैसे मैं ग्रो हुआ फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड, तो एक मैच्योरिटी लेवल एक बढ़ गई एंड देन यू नो आई स्टार्टेड बिकमिंग डिपेंडेंट. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स कि व्हाट आर माय चैलेंजेस, एक्सेप्ट करना शुरू हुआ और एक पॉजिटिविटी धीरे धीरे डेवलप हुई. बट अगेन सिंस आई वॉज नॉट इंट्रोड्यूस टू बाबा उस टाइम पे, तो हमेशा एक वो फियर जरूर रहता था कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्या करे. बट व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू बाबा विच वॉज इन स्टैंडर्ड आफ्टर कम्प्लीटिंग माई टेंथ, जब दसवीं पूरी हुई तभी बाबा का ज्ञान मिला. वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समडे आई कैन शेयर. बट बाबा का जब ज्ञान मिला तो बहुत बहुत परिवर्तन जीवन में आया. मतलब जो बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स थे दैट रियली हेल्प्ड मी कन्वर्टिंग ऑल नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी. आई रिमेम्बर जब मैं छोटा था तभी जब मैं रास्ते पे चलता था तो जो किड्स होते थे आजू बाजू के लोकेलिटी के, दे टू मॉक एट मी, मुझ पे गाली देते थे या कुछ ऐसी चीजें कहते थे जैसे अंधे. मराठी में होते थे, यहाँ पे लोकल स्लैंग लैंग्वेज में काफी बैड वर्ड जैसे यूज करते थे. तो आई वॉज लाइक यार मुझे ऐसा क्यों बोल रहे, मैंने क्या किया व्हेन आई वाज स्मॉल. बट जब बाबा का बच्चा बना तो मैंने देखा कि बाबा ने फर्स्ट डे जो एक पाठ पक्का कराया कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, वॉट एवर फिजिकल चीजें हैं दैट इज टेम्पररी, मे बी बिकॉज ऑफ हिसाब किताब हमारा शरीर जो भी है वो होगा, बट आई एम अ वेरी प्योर सोल, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ और मैं बाबा की श्रेष्ठ संतान हूँ. तो जब मैंने ये पाठ सीखा तो देन आई थॉट यार ये तो बहुत, ये चीज मुझे बहुत जरूरी थी एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट. तो मैंने दीदी को पूछा था कि दीदी ये रियली वर्क करेगा क्या. दीदी ने बोला व्हाई डोंट यू ट्राई, आप खुद को आत्मा समझो, प्रैक्टिस करो राजयोगा. एंड तब से मैंने अपने आप को देखना बहुत चेंज कर दिया. सो अगेन दिस इज लाइक द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टूल विच आई यूज्ड इज सोमान में रहना. तो सोमान में जब ही हम रहते हैं तो नेगेटिविटी आती ही नहीं है, यू नो नेगेटिविटी इमिडिएटली गेट्स चेंज्ड इनटू पॉजिटिविटी. तो व्हेन आई वाज
प्रैक्टिसिंग दिस, बिकॉज तब मैं जस्ट कॉलेज लाइफ में गया था। यहाँ पे भारत में आप सब मोस्टली जानते होगे, अगर आप हिंदी सुन रहे हो तो आपको पता होगा कि भारत में अप टू 10 स्कूल होता है एंड फ्रॉम 11 वी हैव कॉलेज। तो कॉलेज लाइफ इज मोर टफ बिकॉज बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं, तो वहां पे भी काफी लोग ऐसे परेशान करने वाले मिल सकते हैं। बट लकीली बाबा ने तभी मुझे ज्ञान दिया, एंड जब मैं सुमानों का प्रैक्टिस करने लगा तो आई सॉ दैट पीपल अराउंड मी गॉट चेंज्ड, दे स्टार्टेड हेल्पिंग मी, दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी, बहुत मुझे मदद करते थे, बहुत मेरा ध्यान रखते थे, मुझे बहुत आदर सहित देखते थे, और कुछ भी चीज हो देवर लाइक फॉर मी। तो दैट वॉज अ वेरी बिग शिफ्ट। मैंने देखा कि भाई पहले थॉट था कि भाई क्या होगा अभी, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, बट वो लोग मुझे हेल्प करने लग गए। कुछ चैलेंज होती थी, यार प्रफुल आप वेट करो हम लोग करेंगे। तो मैं सोचा ऐसा कैसा चेंज हुआ, हाउ डिड दिस हैपन, एंड दिस हैपन इन जस्ट 2 to 3 weeks, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। बट फिर मैंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया तो आई रियलाइज कि नहीं, सोमान का एक्चुअली अभ्यास करने से नेगेटिविटी नॉट ओनली इन आर सेल्फ बट आजू बाजू के अंदर भी वो परिवर्तन हो जाती है, एंड इट रियली हेल्प्स। तो मुझे बहुत अच्छा ज्ञान के अंदर मजा आने लगा, ज्ञान के अंदर और रुचि बढ़ गई, और धीरे धीरे परमात्मा के अंदर भी वो मतलब फिर मैं क्या कर रहा था, मुरली के अंदर से पॉइंट्स ढूंढता था कि भाई ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो मुझे अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एक चीज मैंने अपने ब्राह्मण जीवन में सीखी और अभी तक भी मैं अप्लाई करता हूँ, एंड दैट इज अटेंडिंग मुरली क्लास डेली। 99.99% फिजिकल क्लास में ही करना, मे बी अगर नहीं होता है तो फिर ऑनलाइन, तभी तो ऑनलाइन का जमाना नहीं था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बिकॉज ना तो जूम था ना तो कोई इंटरनेट इतना हुआ करता था, तो फिजिकली होता था। तो मैं देखता था कि भाई मुरली मुझे रोज अटेंड करनी, एक धुन लगी होती थी, और उस टाइम पे अगेन व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड तभी मैंने सोचा कि आई विल टेक अप अ गुड कोर्स। यहाँ पे सीए करके कोर्स होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भारत में, जो काफी टफ होता है, इट्स नॉट वेरी इजी टू क्रैक फॉर मोस्ट ऑफ देम, बट मुझे ऐसे था कि अभी बाबा का बच्चा बना हो तो व्हाई नॉट मैं अच्छा कुछ कोर्स करूँ, सो दैट माय पेरेंट्स फील हैप्पी अबाउट मी। तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट था मुझे, तो मैंने वो कोर्स लिया। बट जैसे मैंने कोर्स लेने का सोचा तब, है ना, जब भी हम अच्छा कुछ सोचते हैं ना, आप हमेशा देखना कि नेगेटिव कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो मेरे कजिन्स ने मुझे बोला कि प्रफुल, बिकॉज उन्होंने सीए बन चुके थे, जस्ट बने ही थे वो, उनको 6 महीने हुए थे, एंड दे टोल्ड मी कि प्रफुल हम लोग को लिटरली 8 to 10 अटेम्प्ट्स देने पड़े सीए बनने में, एंड आप करोगे तो पता नहीं आपको कितने अटेम्प्ट लगेगा, आप हो पाओगे कि भी नहीं, वी डोंट नो, बिकॉज सीए में तो बहुत बड़े बड़े बुक्स पढ़ने होते हैं। मे बी योर मदर हेल्प यू स्कूल के अंदर बाय रिकॉर्डिंग कैसेट्स, बट दैट रियली कांट वर्क थ्रू आउट, यू नो, बिकॉज आपकी मम्मी ने भी इतना डिफिकल्ट कोर्स किया नहीं है, तो आप कैसे करोगे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कुछ ना कुछ सिंपल कोर्स कर लो, एंड जस्ट बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू गेट, डोंट हैव हाई एम्बिशंस। तो अभी मैं तो बाबा का बच्चा तब बन गया था, तो आई जस्ट हर्ड देम, आई टोल्ड ओके, बट मैंने बाद में सोचा कि नहीं, अगेन दिस इज बिकमिंग ऑब्स्टिकल, ये नेगेटिविटी मेरे अंदर इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो आई जस्ट टोल्ड बाबा, यू आर विथ मी, आई विल टेक अप दिस कोर्स, जो भी होगा देखा जाएगा, बाबा मेरे साथ है, करके रहेंगे हम। तो वन मोर थिंग, यहाँ पे देखा कि जब भी हम एक दृढ़ निश्चय ले लेते हैं ना, बाबा जिसको दृढ़ता कहते हैं ना, बहुत बार बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो सफलता हम पाएंगे ही पाएंगे। तो किसी भी चीज में हिम्मत क्यों ना हो, जैसे भी यहाँ पे तो हमने आपको एग्जांपल बताया, बट हम अपने लाइफ में भी देखते हैं किसी भी चीज में अगर हिम्मत रखते हैं ना तो बाबा की मदद मिलती है। इसके लिए बहुत बार आपने देखा होगा व्यक्त मुरली में बाबा हाथ उठाते हैं, बच्चे है हिम्मत, और एक हिम्मत की बाबा बात करते हैं और एक दृढ़ता की बात करते हैं। अगर हमारा दृढ़ता रहेगा किसी चीज में तो हमें सफलता मिलेगी ही, और जैसे हम हिम्मत और दृढ़ता रखते हैं ना तो उसको हिलाने के लिए बहुत लोग आएंगे हमारे जीवन में, एंड बट अगर हमारा हिम्मत है तो फिर
कोई हमें यू नो रोक नहीं सकेगा. एंड दे आर ऑल्सो ओके, वो भी अपने अपने व्यू पॉइंट सुनाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारी हिम्मत है तो हम लोग जीत पाती है. तो कमिंग बैक टू दैट मुरली थिंग जो मैं आपको बता रहा था, तो मुरली सुनने का एक डेली मुझे शौक बैठ गया था एंड मैं हर रोज मुरली मिस नहीं करता था, मुरली क्लास. बट चैलेंज ऐसा हो गया था कि जब मैंने अपने सीए का स्टडीज शुरू किया तो उसमें क्या होता था, सुबह कोचिंग क्लास होता था, शाम को कोचिंग क्लास होता था, और डे टाइम में हमें एक सीए के अंडर इंटर्नशिप करना पड़ता था, एक ट्रेनिंग करना पड़ता था उनके ऑफिस में जाके. तो मुरली का क्लास का टाइम तो सुबह होता था, मॉर्निंग यहाँ पे भारत में 7 to 8 पढ़ते हैं मुरली, और शाम को भी 7 to 8 होता था, और मेरी कोचिंग क्लास का टाइम भी वही होता था बिकॉज डे टाइम में तो वर्क पे जाना होता था, तो पूरा दिन पैक रहता था. तो ऐसे लगभग 3 साल हमें एक सी के अंडर ट्रेनिंग करना पड़ता है. और मैं कोचिंग क्लासेस क्यों ज्वाइन करता था, बिकॉज आई यूज टू बिलीव मोर ऑन हियरिंग, बिकॉज पढ़ने का तो बहुत चैलेंज था. हालांकि तब तक बाबा ने बहुत सारे टूल्स दे दिए थे, मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास मिल गया था जो मैं बुक्स पे रखता था तो थोड़ी चीजें बड़ी हो जाती थी तो आई कुड रीड इजीली. और मुझे किसी ने तो, वो भी पता नहीं बाबा का एक ये मैजिक कहेंगे, किसने तो मुझे ना टेली ये बायनोकुलर्स घर में पोस्ट कर दिया. आई डोंट नो किसने किया, क्या हुआ, आज तक वो रिवील कभी नहीं हुआ. बट दैट वाज द टाइम, तब मैं शायद 9th स्टैंडर्ड में था, दैट वाज द टाइम कि मैं मुझे रियलाइज हुआ कि बायनोकुलर से मैं दूर की चीजें नजदीक देख सकता हूँ. तो मैं फर्स्ट बेंच पे बायनोकुलर्स लगा के बैठता था और बोर्ड का मुझे थोड़ा बहुत दिख जाता था, थोड़ा ही दिखता था, बट आई कुड मेक आउट समथिंग, एटलीस्ट जो मैथ्स की चीजें होती थी, एल्जेब्रा ज्योमेट्री, दैट आई कुड वर्क, मतलब मुझे वो काम हो जाता था. बड़ा बायनोकुलर था क्योंकि वो भी पावरफुल बायनोकुलर से मुझे दिखता था, नॉर्मल बायनोकुलर्स नेवर वर्क फॉर मी. तो वो पावरफुल बायनोकुलर्स किसने तो विदेश से लाया था कि भारत में तब नहीं मिलता था. तो सम और मैं कोचिंग क्लासेस में हियरिंग पे बहुत जोर देता था बिकॉज रीडिंग वॉज अ चैलेंज. तो बाबा के ज्ञान से ऐसा फायदा हुआ कि जब भी हम मेडिटेशन करता था तो एकाग्रता ऐसी बढ़ती थी कि जो भी मैं सुनता था वो डायरेक्टली माइंड में रजिस्टर हो जाता था, बिकॉज व्यर्थ का तो कुछ मार्जिन ही होता नहीं था. बाकी जो स्टूडेंट्स होते थे, कभी इधर देखना उधर देखना, कभी कुछ मस्ती करना, कभी कुछ लिखना, तो ये सब चीजें मैं नहीं करता था. आई टू फोकस अलॉट इन द क्लास. बाबा को आह्वान कर रहा था, बाबा ये क्लास मुझे अच्छे से अटेंड करनी है, और थोड़ा सा योग करके बैठता था. तो 100% नहीं बट मेजोरिटी चीजें रजिस्टर हो जाती थी दिमाग में, और एक बार रजिस्टर हो जाती थी दिमाग में तो फिर मुझे वापस बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. तो ये एक बाबा से ब्लेसिंग मिली. और मैं हमेशा जो भी मेरे फ्रेंड्स होते उनको ये बताता हूँ कि राजयोगा से आपका कैसा कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है, हाउ आप कैसे अच्छे से पढ़ सकते हो. तो ये अपने जो यूथ फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत यूथ की एक्टिविटीज करते हैं, आई ऑलवेज शेयर विद देम दीज थिंग्स एंड व्हेन दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन. तो हमारा तो जब भी क्लासेस वगैरह हो जाती थी तो मुरली क्लास तो खत्म हो जाती थी, बट मुझे एक धुन लगी होती थी, नहीं मुझे सेंटर पे जाना ही है. एंड रात को बस पकड़ के, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मैं रिलाय करता था, फिजिकल तो आई कुडंट ड्राइव बाइक, माय ओन बाइक या कुछ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई ट्रस्ट समवन कि भाई ये बस आ जाएगी तो लेट मी नो, बिकॉज आई कुडंट सी, तो उन लोग बता देते थे. तो मैं घर के यहाँ पे पहुँच के फटाफट सेंटर के इधर भागता था एंड आई टू रीच. तो जस्ट 15 मिनट्स बिफोर सेंटर लॉक होने वाला है, होता है रात के टाइम पे, आई टू रीच देयर एट 8:30, 8:35, और हमारा सेंटर लॉक होता था, मतलब बंद होता था 9 o'clock को. तो मुरली क्लास हो जाती थी तभी, बट मैं बाबा के कमरे में 10 मिनट जरूर स्पेंड करता था. और दिन भर की जो भी थकावट होती थी, मे बी मेरे क्लासेस की, ऑफिस की, वो सारी चीजें आई शुड जस्ट शेयर विद बाबा. बाबा आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, जैसे छोटा बच्चा कैसे मम्मा को बताता है, तो वैसे मैं बाबा को बताता था. और जस्ट 10 मिनट्स से बाबा के रूम में स्पेंड करता होगा ना, इतना मैं रिलैक्स हो जाता था, ऐसे लगता था कि आई हैव अचीव्ड टारगेट ऑफ द डे. और फिर
9 में 10 मिनट कम बाहर निकलता है टू टॉक विद कपल ऑफ सिस्टर्स अगर वो फ्री है तो, या फिर हमारे कुछ भाई बहनों से मिलता था टू। आज दिन के बाबा ने आज क्या सुनाया, मुरली के मुख्य पॉइंट्स टू रिवाइज, बिकॉज पूरी मुरली तो मेरी नहीं हो पाती थी अटेंड, बट यस वॉट एवर दे कुड टेल मी आई टू नोट इट डाउन फॉर माई सेल्फ। और वो एक 10-15 मिनट्स मेरे लिए बहुत एनर्जाइजिंग होता था। एंड कहने का भाव ये कि चैलेंजेस बहुत आए थे, कि भाई मुरली क्लास का टाइम क्लैश होता था, नहीं करने पाते थे, बट आई हैड दिस थॉट कि नहीं मुझे करना ही है। तो बाबा मेड श्योर कि मैं कभी भी एक भी दिन सेंटर मिस नहीं हुआ मेरा, एक भी दिन की मुरली मिस नहीं हुई। हो सकता है कभी कभी वो फुल मुरली नहीं पढ़नी हुई होगी, बट एटलीस्ट द क्रक्स ऑफ द मुरली इज हैज टू अंडरस्टैंड, और अच्छे से समझ कर मैं आगे बढ़ता था। दैट हेल्प मी अलॉट। और रोज मुरली सुनने से ऐसा हो गया कि बाबा के अंदर इतनी लगन बढ़ गई, इतनी प्रीत बढ़ गई कि मुझे लगता नहीं कभी ऐसे उस दिन, मतलब आज तक कभी ऐसे बाबा के अंदर विश्वास कम हुआ या निश्चय की कमी हुई। और मैंने क्या किया फिर, हर चैलेंजेस में बाबा को यूज करना शुरू किया। तो लेट मी शेयर वन मोर टूल विच आई यूज फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी है, जो हमेशा बाबा कहते हैं बाबा का साथ। तो बाबा का साथ मैंने देखा कि कितनी भी आपके पास नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, दैट कैन चेंज इन टू पॉजिटिविटी। तो कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन आई गो बैक टू माई बचपन, जब मैं सी की पढ़ाई पढ़ता था या फिर जब मैं एग्जाम देने जाता था, तो पहले से बाबा के साथ डील करता था मैं। आई वॉज टू टेल बाबा अभी तो आपका मैं बन गया हूं, तो यू नो इट इज बेसिकली जो भी मेरा है वो आपका है, जो भी आपका है वो मेरा है। बाबा बोलते हैं ना, बच्चे जो भी मेरे हैं आप बच्चों का है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा देखो ये जो एग्जाम्स वगैरह है ये सब क्या है, एग्जाम आई डोंट वांट टू गिव दिस एग्जाम, आप ही जाके दे दो, यू नो मुझे एग्जाम से डर लगता है। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन के टाइम पे देना शुटल बाबा, बट आप दोगे कैसे, आपके पास तो शरीर ही नहीं है। तो नो प्रॉब्लम आई विल गो, यू कैन यूज दिस बॉडी बट एग्जाम आपको ही देना है, तो मैं खाली उधर निमित्त होके बैठूंगा। तो आई शुड जस्ट हैव अ वेरी स्वीट कॉन्वर्सेशन विद दिस, लाइक बाबा के साथ ऐसे बातें करता रहता था, बाबा आपको ही देना है, मैं तो बस निमित्त हूँ, पापा आपके पास तो बॉडी भी नहीं है, मेरे पास देखो बॉडी तो है, कुछ तो मैं कर सकता हूँ, दिस एंड दैट, ऐसा कुछ ना कुछ बातें करता था। एंड आई शुड डू दिस टॉक्स इमिडिएटली बिफोर द एग्जाम। तो हमारे बाकी फ्रेंड्स तो इतना पढ़ते थे, 1 घंटा पहले, 10 मिनट पहले, 1 मिनट पहले भी बुक्स इतना पढ़ते थे, बाप रे ऐसा लगता था जैसे कोई सारे साल भर की पढ़ाई तभी करेंगे। और मैं रिलैक्स करता था, मैंने बोला बाबा जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अभी आप जानो एग्जाम पेपर जाने, और इतना रिलैक्स रहता था मैं। एंड मैंने बोला बाबा जब भी साथ है तो क्यों वरी करना है, लेट मी एक्सपेरिमेंट। और मैं इसे देखता था कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू सिट, मतलब जब भी क्वेश्चन पेपर या कुछ आता था तो इतना रिलैक्स होता था, ज्यादा रिकॉल भी करना नहीं पड़ता था। बाबा को बोलता था बाबा ये चलो ये क्वेश्चन का आंसर देना है, लेट स्टार्ट, और मैं लिखना शुरू करता था। और वो कब वो लिखना कंप्लीट होता था पता ही नहीं चलता था, तो 3 आवर्स वर एंजॉयबल, मतलब मजा आती थी। एंड इतना बाबा लिखाते थे मुझे भी नहीं पता चलता था क्या लिख रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली ऐसे तो पता चलता है व्हाट आई एम राइटिंग, बट इट वाज नॉट प्लान, ऐसा प्लान होके नहीं लिखता था, थॉट्स आते थे नेचुरल राइट। और आफ्टर राइटिंग देन मैं सप्लीमेंट्री मांगता था, एक्स्ट्रा पेपर टू राइट। एंड किड्स जो स्टूडेंट्स होते थे दिस टू सी यार ये इतना क्या लिख रहा है, एक तो इतना नजदीक से लिखता था मैं और इतना फटाफट लिखता था, एक्स्ट्रा पेपर ही मांगता था। तो एवरीबडी यूज टू गेट पजल्ड कि प्रफुल आखिर कर क्या रहा है, बट देन यू नो बाबा हेल्प। एंड नॉट ओनली इन एग्जाम्स बट थ्रू आउट, मतलब अपने लाइफ में मैंने देखा एक बाबा का साथ रहता है ना, तो कितनी भी नेगेटिविटी की सिचुएशन रहती है ना वो पॉजिटिव हो जाती है। इट इज जस्ट दैट हमें एक एहसास होना चाहिए कि बाबा मेरे साथ है, और बाबा को आह्वान करना चाहिए, बाबा आपको मेरे साथ रहना ही है, नॉट प्लीड कि बाबा आप आ जाओ मेरा मुझे मदद करो, नॉट लाइक दैट, बिकॉज वो फिर याचक जैसा हो जाता है। बाबा आपको आना ही है, आपको करना आपका काम है, यू नो अगर उस अधिकार से हम बाबा के साथ बात करते हैं ना तो बाबा रियली आता है। एंड दैट इज वॉट आई फील। और बाबा बहुत मदद, मतलब बहुत पॉजिटिविटी से भर देता है, यू नो एक ऐसा विल पावर आ जाता है कि
बिकॉज मैंने बहुत टाइम देखा है, बिकॉज विजन चैलेंज होने के कारण मुझे बहुत पहले डर भी लगता था स्टेज के ऊपर जाने से या किधर पब्लिक प्लेस में जाना। मुझे लगता था अरे बाप रे, कोई कुछ बोल देगा या मुझे दिखाई नहीं देगा, इफ आई लूज द वे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जब बाबा को जब साथ में लेने लगा ना, तब कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं था। तो कितना भी दूर होने दो, यू नो, मुझे कभी कभी विदेश में भी जाना होता था, यू नो, यूएस में भी आया था उस टाइम पे। तो भारत से यूएस आया था, तो एक बार तो अकेले आया था मैं, आई थिंक 2017 में आया था। माई यंगर ब्रदर एक्चुअली स्टेज एट यूएस, सैन फ्रांसिस्को के नजदीक ही रहते हैं, यूनियन सिटी में। तो तभी उसी कारण मेरा नोवाटो आना हुआ था बाबा के घर पे। तो और भी कई जगह जाना होता रहता, बाबा भेजते रहते हैं, तो हमेशा बाबा को साथ में लगता हो। तो पहले शुरू शुरू में तो इनफैक्ट इवन माय पेरेंट्स टू अकंपनी मी, जहाँ पे भी जाना होता था, मधुबन जाना होता था या कहीं पे भी। बट देन मैंने उनको बोला आप क्यों अकंपनी करते, बाबा मेरे साथ है ना, बाबा विल टेक केयर ऑफ मी। तो पेरेंट्स को भी अभी एकदम वो निश्चिंत हो गए हैं, यू नो, एवर सिंस बाबा जब मुझे मिला है ना, तो माय पेरेंट्स, मतलब शायद उन्होंने मेरे ऊपर इतना ध्यान दिया होगा, बिकॉज उन्होंने देखा कि मेरे अंदर वो चेंज आया, बाबा इज विथ मी। तो मम्मी मुझे बोलती थी तुम्हारे बाबा को बुला लेना, वो कर लेगा। तो मैं बोलता था हाँ बाबा आ जाएंगे। एंड वहाँ पे भी जाना हुआ तो यू नो बाबा का एक साथ रहता है, तो वो एक बहुत सेफ्टी भी लगता है और कुछ नेगेटिविटी आती ही नहीं है। तो जब मेरा रिजल्ट्स भी आने लगा, व्हेन आई वाज व्हेन एक्चुअली मेरे एग्जाम्स के पहले ऐसा हुआ था कि घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी सिचुएशन हो गया था, बिकॉज माय ब्रदर जो मैंने बताया ना यूएस में रहता है, तो उसका ही मेट विद एन एक्सीडेंट। उस टाइम पे तो वो खैर इंडिया में ही था, तो ही वॉज डूइंग हिज स्कूलिंग, मेरे से 4 साल छोटा था वो, और आई थिंक ही वॉज ड्राइविंग अ बाइक, और कुछ उस टाइम पे थोड़ा बारिश भी था, थोड़ा सा नीचे मट्टी थी, थोड़ा सा उसका स्केट हो गया बाइक, एंड जो रास्ते के बीच में जो डिवाइडर होता है ना, तो वो डिवाइडर के ऊपर ही फेल डाउन, वो जो डिवाइडर का जो पॉइंट होता है ना, वो उसके उनके पेट में लग गया, एंड इंटरनल ब्लीडिंग हुई। बाहर से तो इतना पता नहीं चला, बट इंटरनल ब्लीडिंग ऐसा हुआ कि उसका लिवर जो है वो फट गया, एंड वी डिडंट रियलाइज दैट वेरी सून। हालांकि हॉस्पिटल में तुरंत गए थे, बट डॉक्टर्स रियली रियलाइज दैट आफ्टर सम आवर्स, एंड दैट वॉज क्वाइट लेट, मतलब बहुत लेट हो गया था। एंड immediately doctors had to take a call कि भाई इनका operation करना पड़ेगा, और operation was also not मतलब they told that chances कम है, he might survive but we don't have any option। तो उस time पे मेरे just exam के 15 दिन ही रह गए थे, and बहुत negativity वाला माहौल था। तो मैंने मम्मा ने बोला भी क्या करना है क्या नहीं करना, means थोड़ा सा तो हो जाता है ना ups and downs, and we were very new in ज्ञान। तो अगेन मैंने सोचा कि नहीं, बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा विल टेक केयर ऑफ थिंग्स, उनका पार्ट रहेगा तो डेफिनेटली वो तो क्योर हो गई होगा, नहीं होगा तो वाई शुड बी फोर्स हिम, बाबा विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। बिकॉज तब पूरा ड्रामा का सबका नॉलेज तो हो गया था, एंड मुझे भी मेरी पढ़ाई पे फोकस नहीं करना कर सकता था, बिकॉज आई हैड टू बी एट हॉस्पिटल, बिकॉज मेंटली भी फैमिली मेंबर्स को एम्पावर करना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि हम तो सब ज्ञान में हैं। तो बाबा से लेकर सकाश देता था भाई को, एंड एट द सेम टाइम बाकी भी सबको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता था कि भाई बाबा इज देयर डोंट वरी। तो मेरा थोड़ा पढ़ाई भी अप्स एंड डाउन्स हुआ, तो लकीली माय ब्रदर सर्वाइव्ड फ्रॉम दैट ऑपरेशन, ही गॉट क्योर वेल, ही इज डूइंग वेरी वेल। बट वो मोमेंट्स थे, वॉज अ लॉट ऑफ चैलेंज, बहुत नेगेटिविटी थी, बट वही सकारात्मकता के अंदर बाबा की मदद से आ गए, और उसका इम्पैक्ट फिर मेरे एग्जाम्स पे था, बिकॉज इमिडिएटली एक दो हफ्ते बाद में एग्जाम्स थे, एंड होता है ना कि एग्जाम्स के पहले एक्चुअली पढ़ाई होती है टेक्निकली स्पीकिंग, बट एग्जाम के पहले तो मेरा सब इधर ही चला गया, बिकॉज वो इतना मेजर ऑपरेशन हुआ था कि उसको लिटरली 15 दिन हॉस्पिटल में ही वॉज बेड रिडन, पूरा पाइप वाइप लगा के रखा था, बिकॉज पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पूरा डिस्टर्ब हो गया था। आप पेट को जब भी खोलते हो, वो सब ठीक ठाक करते हो, इतना ब्लड वगैरह वापस रिफिल करते हो, तो ही हैड टू बी एट हॉस्पिटल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फिर घर पे भी डिस्चार्ज दिया विथ ऑल द पाइप्स। तो बोले अब घर पे वो करो, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली शुरू नहीं हुआ था सब चीजें बैक टू नॉर्मल। तो घर पे भी माय ब्रदर वाज काइंड ऑफ बेड रिडन फॉर मे बी 20-25 डेज,
एंड आफ्टरवर्ड्स देन वो सारा चीज निकाल के ड्रेसिंग बार बार कर करके फिर विद इन लाइक 1.5-2 months तो ही वॉज ओके. उनके भी एग्जाम्स ही कुडंट गिव बिकॉज ऑफ दैट, विच ऑफकोर्स इज कॉलेज एक्सेप्टेड. बट मेरा तो उस टाइम पे बहुत बड़ा एग्जाम था, सी का एग्जाम था, फाइनल था, एंड आई वॉज लाइक अरे क्या होगा लाइक यू नो. बट अगेन आई हैड दिस बाबा टूल, मैंने बाबा को बोला बाबा देखो भाई एट द एंड ऑफ दैट एग्जाम तो आपको ही देना है, मैं तो खाली निमित्त हूँ, जितना है मैंने पढ़ा है आपको मुझे याद दिलाना है. एंड यू नो दिस थिंग्स रियली मेड मी सो लाइट, जैसे लगा ही नहीं कि इतना सारा फैमिली में चैलेंजेस हुआ है, इतना प्रॉब्लम्स हुआ है. एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस, इवन ड्यूरिंग माई स्टडीज बहुत सारे बाबा की सेवाओं के अंदर आई टू पार्टिसिपेट, जो भी सेंटर की सेवा होती थी. बिकॉज मेरा ऐसा सोचना होता था कि अगर मैं बाबा की सेवा में टाइम दूंगा तो बाबा विल ऑल्सो हेल्प मी, एंड दैट इवन आई एम यूजिंग दैट टूल टिल टूडे. आज भी ऐसा होता है कि ऑफिस के अंदर कभी कभी काम आता है, बट अगर बाबा के सेंटर पे सेवा रहती है ना तो ऑटोमेटिकली ऑफिस लोड कम हो जाता है. मैं बाबा को बोल के लगता देखो बाबा आपको मुझे सेवा काम करना है, आई विल डेफिनेटली गिव यू टाइम, बट यू हैव टू मैनेज माई ऑफिस लोड. और ऑटोमेटिकली ऑफिस का वो कारोबार पता नहीं अपने आप कम हो जाता है. और यहाँ पे जो भी रिट्रीट्स होते हैं, बिकॉज वीकेंड्स में बहुत रिट्रीट्स होते हैं, अनुभूति में भी होते होंगे, तो वो वीकेंड्स के रिट्रीट का प्लान करना, इन्विटेशंस भेजना, कुछ अप्रूवल्स करना, तो जितनी भी ऑनलाइन सेवा होती है ना वो बाबा ने यहाँ पे दिए हमें, तो वो भी एक वंडरफुल चीज है. जिस चीज में मुझे चैलेंज है बाबा ने मुझे उसी सेवा के अंदर एक्सेल किया है. मतलब ऑनलाइन सेवा, कंप्यूटर से रिलेटेड सेवा इतनी ज्यादा होती है यहाँ पर, और वही सेवा में मेरा ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, आईटी की सेवा है. व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, यूट्यूब ब्रांडिंग या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरी सोशल मीडिया की टीम है यहाँ पे. ऑनलाइन इवेंट्स प्लान करना, एजेंडा बनाना, वॉट एवर इट इज, तो बहुत सारे ऐसे सेवा के अंदर बाबा बिजी रखते हैं. और मैंने देखा जैसे ही इवेंट पूरा हो जाता है ना, वेन आई बिकम फ्री, ऑटोमेटिकली ऑफिस का लोड बढ़ जाता है. तो वो एकदम बैलेंस रखता है बाबा. तो दैट इज वन ब्यूटिफुल थिंग विच आई सीन इन ज्ञान, कि बाबा के ऊपर जब सौंप देते चीजें तो ऑटोमेटिकली बाबा टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. तो या कमिंग बैक, तो जब मैं वो एग्जाम्स वगैरह दिया एंड आई वॉज, मेरा रिजल्ट्स भी आना था, मतलब एग्जाम्स तो मैंने दे दिया सक्सेसफुली, बट रिजल्ट्स के टाइम पे माई पेरेंट्स वर रियली वरीड. दे टोल्ड प्रफुल डोंट वरी, वैसे भी सीए के अंदर 5% बच्चे पास होते हैं, और तुम्हारे तो खैर घर में भी इतना चैलेंजेस था, तो दे वर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प मी कि भाई इवन इफ यू फेल डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू, वी कैन अंडरस्टैंड यू, एंड डोंट कमिट समथिंग विच इज, आजकल करते, आजकल तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई कुछ सुसाइड कर लेते हैं. सो दे वर जस्ट थिंकिंग कि प्रफुल ही इज ऑलवेज सो पॉजिटिव, बट इतना अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो मे बी ही शुड नॉट बिकम डिसअपॉइंटेड. तो वो मुझे बोल रहे थे प्रफुल डोंट वरी, एंड आई वॉज लाइक कि नहीं यार पेपर तो ठीक ठाक गया, पास तो हो जाऊंगा यार, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगा तो देखा जाएगा, बाबा के ऊपर छोड़ दिया मैंने, एंड डिडंट गिव मच थॉट. तो जब एग्जाम्स का आया रिजल्ट, एंड तभी ऑनलाइन रिजल्ट शुरू हो गया था एक दो साल से, वी कुड सी द रिजल्ट्स ऑनलाइन, एंड मैंने देखा तो आई वॉज हैविंग वेरी गुड मार्क्स, तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था. मैंने वापस चेक किया, भाई मेरे ही मार्क्स है ना, और फिर जब मैंने चेक किया तो इट वॉज माई नेम ओनली. तो व्हेन आई शेयर्ड द मार्क्स विद माई टीचर, कि जो मुझे प्रोफेसर थे उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छे मार्क्स है, प्रोबेबली यू वुड बी अ रैंकर. तो मैंने बोला अच्छा रैंकर होंगे, देन आई जस्ट चेक दैट, कि रैंकर का अलग पेज होता है. तो आई वॉज शॉक्ड कि आई वॉज ऑल इंडिया मेरिट रैंकर, भारत में जितने भी जन बैठते हैं उसमें से आई वॉज लाइक 31st मेरा रैंकिंग था, अप टू 50 रैंक दे अनाउंस, उसमें से मेरा 31st था. तो दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग. और मैंने सर को बताया कि सर मुझे इतना रैंक आया, तो सर ने बोला अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो फैमिली में सब जन ने बोला. एंड देन आई वॉज वंडरिंग कि भाई हाउ दिस थिंग्स हैपेंड. तो मैंने वही बोला कि एक बल एक भरोसा, बाबा को जब मैंने अपना साथी बनाया तो ही मेड श्योर कि आई गेट वॉट एवर आई डिजर्व. तो वो बहुत ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस था. और मतलब कहने का भाव ये है कि नेगेटिविटी, नकारात्मक सिचुएशंस आते हैं, बट जब बाबा को सौंप देते हैं तो यू नो वो चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाती है. फिर मैंने एक चीज और देखा ज्ञान में, सकारात्मकता के अंदर हमें परिवर्तन करने के लिए एक दूरांत दृष्टि, बिगर पिक्चर रखना बहुत जरूरी है. कभी कभी हम
सेवा के फील्ड में देखते हैं, क्योंकि जितना हम सेवा में इन्वॉल्व होते हैं हम एक स्पेसिफिक एंगल से किस चीज को देखते हैं। तो बड़े जो होते हैं हमारे से, उनको एक ब्रॉडर पिक्चर पता होता है, और हम जब छोटे एंगल से देखते हैं तो हमें लगता है कि हम ही करेक्ट है। और जब वो दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि होता है कभी कभी सेवाओं के अंदर भी हम देखते हैं कि जैसे मैं कुछ थॉट बताता हूँ हमारे बड़ी दीदी को, और बड़ी दीदी बोलते नहीं प्रफुल्ल भाई दिस इज गुड बट ये शायद वर्क नहीं करेगा, वी शुड डू दिस वे। तो पहले थॉट चलता था भाई अरे मैंने इतना अच्छा सजेशन दिया बट इट डिडंट वर्क, ऐसा क्यों, इसका ये प्रोज था ये कॉन्स था मतलब। बट फिर मैंने सोचा कि बड़े जो होते हैं दे माइट हैव अ बिगर पिक्चर, उनको एक बड़ा अनुभव रहता उन्हें। तो जब मैंने देखा कि व्हेन आई एक्सेप्टेड व्हाट दीदी टोल्ड, और मैंने देखा जब वो रिजल्ट हुआ तो जो दीदी ने बताया दैट वाज एक्चुअली करेक्ट, आई मीन दैट वर्कड आउट, तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं अगर मेरी बात को पकड़ के चलता तो सेवा सर्विस जगह डिससर्विस हो जाती थी। तो यहाँ पर मैंने सीखा कि एक बिगर पिक्चर रखना, और बिगर पिक्चर के अंदर भी जो हमारे सीनियर्स रहते हैं बड़ों को अगर कंसल्ट करके हम कोई सेवा करते हैं तो उसका बहुत सक्सेस होता है। तो ऐसे बहुत बहुत सारा अनुभव है ज्ञान मार्ग के अंदर भी कि छोटे एंगल से अगर हम सोचते हैं तो चीजें इतनी पता नहीं चलती, बट जब हम त्रिकालदर्शियों के सोचते हैं, इसके लिए बाबा बहुत बार मुरली में कहते हैं कि बच्चे कोई भी कार्य आप करो त्रिकालदर्शियों के करो, अदरवाइज क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एंगल से अगर मैं कोई कार्य करता हूं तो फिर देन यू नो वी गेट लॉस्ट, वी गेट वरीड कि भाई कैसा होगा। तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, जैसे इवेंट्स होते हैं यहाँ पर भी, तो हम लोग एक चीज प्लान किए होते बट दीदी बताते कि नहीं आपने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोचा कि ये एक टॉपिक पे हम करेंगे तो दीदी बोले कि नहीं इस सभा के अंदर इस प्रकार के मेंबर्स भी आएंगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम। तो फिर सोचना पड़ता है कि हाँ भाई ओवरऑल पिक्चर हमें सोचते हैं तो फिर सक्सेस उसके अंदर आता ही है। तो ये भी एक बेनिफिट होता है, मतलब बड़ों को साथ रखने का, बड़ों के सानिध्य में रहने का। तो बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले लर्न करने का उनके बड़ों से। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग अस नो नेगेटिविटी को पॉजिटिव में करने के लिए। फिर एक चीज मैंने और देखा है, व्हाट रियली वर्क्स इज मैं जिसको अपने लैंग्वेज में कहता हूँ सब्स्टिट्यूशन अप्रोच। जैसे बाबा कहते हैं ना कि जब भी कोई परिस्थिति आए तो परिस्थिति को आप एक चीज से कन्वर्ट कर दो, उसको एक चीज से रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल बाबा मुरली में यूज करते हैं मिकी माउस का खेल, आपने सुना होगा कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो सोचो कि मिकी माउस का खेल है। तो मिकी माउस का खेल देखते हैं, जब हम कार्टून्स देखते हैं तो हम एंजॉय करते, वी डोंट फील कि अरे इसने ये कार्टून ने उसको क्यों मारा, वी जस्ट एंजॉय कि भाई मारता भी तो भी वे एंजॉय करते हैं। तो ये एक टूल मैंने बहुत यूज किया है कि कोई भी परिस्थिति आए तो उसको आप रिप्लेस कर दो, या तो मैं मिकी माउस से कर देता हूँ, या फिर कभी कभी बाबा बोलते पेपर टाइगर है, कितनी भी परिस्थिति क्यों ना आए उसको आप पेपर टाइगर समझ लो, या फिर कभी कभी बाबा बोलते कि आप तूफान को तूफान नहीं समझो तोहफा समझो, तोहफा मतलब एक प्रेजेंट समझो। तो अगर हम तूफान समझेंगे तो शायद वो तूफान हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, बट तोहफा समझेंगे तो कितनी भी बड़ी पहाड़ से भी पहाड़ वाली समस्या है वो पहाड़ से राय और राय से रुई बन जाएगी। सो यू नो दैट हेल्प्स। तो कई बार होता है जैसे जब मैं अपने when I completed my CA and you know, वो सब चीजें हो गई celebration and all that, then I went for a job, तो मैंने सोचा कि भाई अभी job, see, doing CA is, studying is one thing, वो तो हम खुद के basis पे कर सकते, but when I go for a job, who will you know recruit me, because if they have lots of options, they will always prefer कि जिनको अच्छे से दिखता है या जो फटाफट काम कर लेते हैं उनको लेंगे, तो मुझे कौन क्यों लेगा। तो मुझे वो थॉट हमेशा मतलब उस टाइम पे था, तो बट मैंने बोला कि भाई इफ दिस इज अ चैलेंज तो व्हाई शुड आई थिंक दिस इज अ चैलेंज, ये भी बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वही है, मैंने बोला कि भाई जॉब इंटरव्यू जाना भी है तो भी लेट मी थिंक
इट एज अ मिकी माउस का खेल कि हमें खेल करने जा रहे हैं। तो जब मैं पहुंचा वहां पर, हमारी इस पे कैंपस इंटरव्यू होता था उस टाइम पे, अभी भी होता है, तो कैंपस में क्या होता है, देर आर डिफरेंट कंपनीज हु कम एंड उन लोग रिक्रूट करते हैं। सो सपोज देर आर मे बी 50 प्लेसेस टू बी फिल्ड बाय डिफरेंट कंपनीज, तो उसके लिए 500 एप्लीकेशन आते हैं, 500 लोग आते हैं, एंड देन दे आउट ऑफ 500 या 1000 दे सेलेक्ट 50 जो भी उनको ठीक लगता है। तो आई जस्ट हैपन टू स्टैंड बाय इनटू वन कंपनी और मैंने बोला चलो देखते हैं, आप इंटरव्यू देखे देखते हैं। तो आई गिव द इंटरव्यू एंड कुछ छोटे मोटे प्रश्न पूछे उन्होंने मुझे, तो आई कुड आंसर देम एंड डायरेक्टली दे क्वालिफाइड मी फॉर द डायरेक्टर राउंड, लास्ट राउंड। और डायरेक्टर ने भी मुझे वो कंपनी के डायरेक्टर ने एक दो क्वेश्चन जनरिक पूछे एंड ही जस्ट टोल्ड ओके यू आर सेलेक्टेड। तो मैंने बोला भाई आपने भाई मुझे इतना कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी नहीं पूछे, ऐसे कैसे सेलेक्ट कर लिया? बोला कि नहीं आप जो जिस प्रकार से आप बोल रहे हो, आपका जो एक विल पावर है, जिस प्रकार से आप बातें कर रहे हो, हमको वैसे ही व्यक्ति की जरूरत है। बाकी तो आपका मार्क्स से पता है कि आपको टेक्निकल नॉलेज है, बट द वे यू आर पॉजिटिव, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, दिस इट सेल्फ शोज कि यू आर मतलब आपको इस जॉब के प्रति पैशन है। तो मैंने सोचा कि भाई मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं, तो मतलब मैंने तो कुछ खास बोला भी नहीं था शायद, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा मैंने क्या हुआ था। बट जब मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था उस रात को, तो मैंने सोचा कि बाबा के जो बच्चे होते हैं ना, वो जहां पर भी जाते हैं उनका एक बोलने का अगर कॉन्फिडेंस अगर अच्छा रहता है, तो दैट इट्सेल्फ विंस अदर्स हार्ट। जिस प्रकार से हम अपने आपको प्रेजेंट करते, बिकॉज मैंने देखा इंटरव्यू में क्या होता था उस टाइम पे, आधे लोग बिकॉज सब छोटे थे ना, छोटे मीन्स जस्ट क्वालिफाइड थे, तो आधे तो वो उसी कारण नर्वस हो जाते थे कि भाई हम कैसे फेस करेंगे, और उस नर्वसनेस के अंदर पता नहीं जो याद क्या हो रहा था वो भी भूल जाते थे। बट जब हम बाबा के बच्चे होते हैं, तो एक सोमाना से जब अपने आपको भर लेते हैं, तो हम वो नर्वसनेस से मुक्त हो जाते हैं। और फिर जब भी मुक्त हो जाते हैं, तो यू नो इजीली हमें इजी हो जाता है कुछ भी फेस करने के लिए। तो इट वॉज वेरी इजी, और फिर बाद में मुझे शायद दूसरी कंपनी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर तभी दे दिया। फिर मैंने बोला दो तीन कंपनी जो ट्राई करने का है क्या? तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला मिल गया तो वाई आर यू ट्राइंग, मिल गया तो लेट्स बी हैप्पी। तो मैं उसी टाइम पर फिर घर पर आ गया, आई वॉज लाइक सेलेक्टेड। फिर जैसे हमने ऑफिस वर्किंग लाइफ में भी देखा है कि वर्किंग लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, कि कभी कभी डेडलाइंस होते हैं, कभी कभी हमें ऐसा भी होता था, अभी तो खैर थोड़ा रिलैक्स है मेरा, बट शुरू शुरू में इनिशियल सम ईयर्स ऑफिस के अंदर कभी कभी ओवर टाइम बहुत होता था हमारे इसमें। जैसे नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग्स मान लीजिए 10 से 8, 10 से 6 होता था, तो कभी कभी हमें 8 बज जाते थे, कभी कभी 10 बज जाते थे, कभी कभी उधर सर्वर रूम में है। अच्छा इधर से नीचे है ना कुछ, ठीक है सॉरी, हाँ कोई एक्सिस्ट्रा आई थी। तो आई वॉज टेलिंग कि ऑफिस के अंदर भी कभी कभी ऐसे ओवर टाइम हो जाता था, बट जो बाबा एक टेक्निक बताते हैं ना, बीच बीच में मुझे याद करो या बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करो, आई हैज टू डू दैट रिग्रेसली दैट टाइम। मतलब इफ नॉट रिग्रेसली, मैं एंश्योर करता था कि भाई मैं उसको करूँ, और उससे स्थिति इतनी लाइट रहती थी ना, कि पहले मुझे ऐसे लगता था कि भैया मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, तो व्हाई एम आई वेस्टिंग टाइम इधर, मतलब मैं अगर घर जाऊँगा तो कितनी सेवा कर सकता हूँ मैं बाबा की, तो ये ऑफिस के अंदर ही मैं फंस गया हूँ, दिस ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे। और फिर मैंने बोला व्हाई एम आई थिंकिंग दिस, बाबा ने क्या बोला है कि भाई आप जिधर भी रहो बच्चे, आप मेरी सेवा पे ही हो अगर आप मुझे याद कर रहे हो, इट डजंट रियली मैटर कि आप ऑफिस में हो या आप सेंटर पे हो या आप घर पे हो, मैटर क्या करता है कि मेरी स्थिति कैसी है, एम आई लाइट वाइल डूइंग माई एक्टिविटीज, चाहे कोई भी हो, यानी मैं ऑफिस में कर रहा हूँ या घर पे कर रहा हूँ। अगर मैं लाइट नहीं हूं, तो अगर मैं सेंटर पे भी अगर मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ विथ बोझ, तो फिर देन दैट इज नॉट अ सेवा, प्रॉपर सेवा। तो ऐसे मैंने अपने आप को फिर कहा, एंड
विद दैट थिंग देन आई स्टार्टेड लविंग. भले मुझे थोड़ा एक्सटेंड होता था, बिकॉज एक्सटेंशन मेरे कारण नहीं होता था, हमारा बट डिपेंडेंसी होता था. एक टीम का जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम नहीं कर सकते थे, और हमें भी उस टाइम डेडलाइन के पहले करके देना होता था, क्योंकि दूसरी टीम के पास जाने से पहले हमारा काम होना चाहिए था. तो बहुत डिपेंडेंसी थी. तो मैंने बोला कि बाबा आप जो भी सेवा दो, वट एवर आई डू आई विल एंजॉय. मैंने एक अपने लिए एक स्टेटमेंट रख लिया था, एंड अगेन दिस इज अनदर टूल विच आई यूज फॉर नेगेटिव टू पॉजिटिविटी. एंजॉय एवरी मोमेंट, बिकॉज इफ वी डोंट एंजॉय थिंग्स ना, तो फिर ऑटोमेटिकली हम नेगेटिविटी के इधर चले जाएंगे. तो एंजॉय मतलब मतलब उसे आई डोंट नो एंजॉय को क्या बोलेंगे हिंदी में, उसे अच्छे अच्छा अनुभव करना, मनोरंजक रूप में उससे खुशी से उस पल को जीना. तो उस प्रकार से अगर हर चीज हर टाइम एंजॉय करते हैं तो फिर नकारात्मकता आएगा ही नहीं. तो फिर मैं अपना एंजॉय करने लगा वर्क, एंड भले कितना ही बजने दो, हर रोज नहीं होता था एक्सटेंड, जस्ट महीने में 3-4 दिन ही होता था जब हमारा डेडलाइन होता था. तो कभी 1 बजता था रात के, कभी 2 बजते थे, बट आई टू एंजॉय. और मेरे कलीग्स मुझे पूछते थे, प्रफुल्ल अरे आपके अंदर एनर्जी लेवल वही है जो सुबह 10 बजे होती थी, सेम एनर्जी लेवल आपकी रात को 11 बजे 12 बजे, तो हाउ इज दिस पॉसिबल. मैं बोलता था भाई दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन. उनको तो खैर बाबा वगैरह क्या समझ में आता था, उनको ये बोलता था मैं राजयोग मेडिटेशन करता हूँ, इससे थिंग्स आर पॉसिबल. एंड देन दे यूज टू गिव माई एग्जाम्पल, देखो भाई प्रफुल्ल भी कितने टाइम से बैठे हैं बट कितना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे, खुशी खुशी कर रहे हैं. सो दे यूज टू गिव माई एग्जाम्पल्स टू अदर्स. तो मैं फिर सोचता था कि भाई जो सेवा मैंने फॉरगॉन किया सेंटर पे न जाके, वो तो बाबा ने यहाँ पे मेरी सेवा करवा ली. इफ पीपल आर गिविंग माई एग्जाम्पल्स टू अदर्स इन अ गुड वे, तो फिर वो तो सेवा ही हो गई. तो फिर मुझे वो रियलाइज हुआ कि बाबा ने शायद वो भी इसलिए लाया रहेगा सिचुएशन की that can help others to learn from. And also then मतलब मैंने देखा ऑफिस में कुछ कुछ लोग ऐसे होते थे कि they should just come meet me and go. और बड़े बड़े व्यक्ति, हाँ मतलब VPs directors आते थे, प्रफुल्ल कैसे हो and how are things this and that, और फिर बात करके चले जाते थे. तो फिर मुझे ऐसा लगता था भाई मेरे से बार बार क्यों आते हैं ये, मतलब. तो फिर मैंने उनको पूछा कि सर आप लोग तो बहुत बिजी रहते हो, आप लोग क्यों ऐसे बीच में आते हैं. तो उन लोग मुझे एक ही चीज बोलते, प्रफुल्ल यू आर वेरी स्पिरिचुअल, आपके पास आते हैं ना हमको बहुत पॉजिटिविटी लगती है. तो मैं सोचता था भाई मैंने उनको ना तो कुछ ज्ञान दिया ना तो मैंने कुछ कहा, बट हाउ डू दे फील पॉजिटिविटी. तो फिर यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आई कि बाबा के बच्चे जो रहते हैं वो जिस भी स्थान पर सेवा करते हैं उनके एक अलग ऑरा क्रिएट हो जाता है, एंड इवन इफ पीपल टॉक टू देम दे फील हैप्पी, उनको एक लाइटनेस लगता है. जरूरी नहीं है कि भाई आपको उनको ज्ञान ही देने की जरूरत है. और फिर यहाँ पर मुझे बाबा की वो बात समझ में आई कि बच्चे आपको चेहरे और चलन से सेवा होगी आपकी, मे बी ज्ञान सब नहीं सुनेंगे और अभी भी नहीं सुनते, मतलब बिकॉज लोगों को शायद ये ज्ञान इतना अपील नहीं होता होगा, बट जब भी वो किसी व्यक्ति को देखते हैं जो ज्ञान स्वरूप बना हुआ है, हु इज एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज वर्च्यूज, तो फिर दे लुक फॉरवर्ड टू दैट पर्सन, वो उस व्यक्ति के पास आएंगे, एंड मे बी उनको शायद मेरे से बात करके खुशी होती थी. तो अभी भी ऐसे ही ऑफिस में बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल जस्ट कम बात करके चले जाते हैं, एंड दे जस्ट चल के प्रफुल्ल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, वी डोंट नो, मतलब एक लाइटनेस लगता है. तो मुझे लगता था कि मे बी इट इज बाबाज मैजिक ओनली. तो लाइक दैट ऑफिस लाइफ में भी बहुत मतलब चैलेंजेस आते हैं, एंड बस वही एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है तो वो चैलेंजेस भी क्रॉस हो जाते हैं. लेट मी शेयर यू वन एग्जांपल, मतलब जस्ट अभी ध्यान में आया कि समटाइम्स डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आते हैं लाइफ में. एक बार जैसे बाबा की सेवा, आई डोंट नो टाइम तो दीदी टाइम है ना, एक 5 मिनट में बोलता हूँ, मे बी देन आई कैन वाइंड अप. आपको कुछ ओके, मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ, देन मे बी इसके कुछ प्रश्न रहेंगे तो वी कैन टेक दैट. तो एक बार ऐसा हुआ कि मतलब ऑफिस में मैं आई टू डू माई वर्क वेरी फास्ट, मुझे बाबा ने भी एक अच्छा स्किल सेट दिया कि फटाफट काम करके ऑटोमेट कर देता था मैं चीजें, कुछ एक्सेल्स यूज करके उसमें कुछ पिवट्स बना देना, तो मैं काम फटाफट करके अब फ्री हो जाता था.
और वहां पर क्या होता था, मैं फिर फ्री होता था तो क्या करेंगे, तो फिर मैं अपने बीके का वेबसाइट के अंदर कुछ ईमेल बनाने का, कुछ फ्लायर डिजाइन करना, बाबा का कुछ कुछ ना कुछ करता रहता था अपने स्क्रीन पर। अभी ऑब्वियसली जो मैं स्क्रीन पर कर रहा हूँ तो पीपल कैन सी ना, तो मेरे जो बॉस के बॉस थे वीपी वाइस प्रेसिडेंट, ही यूज टू सी कि भाई ये क्या है प्रफुल क्या कर रहा है दिन भर, एंड ही यूज टू थिंक कि मैं अपने ऑफिस का मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं बीकेस का काम कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे कुछ कहा ही नहीं इस बारे में, उन्होंने क्या कर दिया, मेरा एस्केलेट कर दिया। हमारी जो न्यूयॉर्क वॉज आवर हेड ऑफिस, तो न्यूयॉर्क के डायरेक्टर को बताया कि हमारे वो एक है ही इज नॉट फोकसिंग ऑन ऑफिस वर्क एंड कुछ और कुछ करते रहते हैं। तो अपेरेंटली दो तीन हफ्ते बाद में वो डायरेक्टर का विजिट हुआ था भारत में, एंड उन्होंने मुझे बुलाया वन ऑन वन, मेरे मैनेजर थे मतलब वो वीपी थे, वो डायरेक्टर थे एंड माई सेल्फ, उन्होंने बुलाया और वो बोले कि प्रफुल आपकी कंप्लेंट आई है। मैंने बोला सर कंप्लेंट आई है, क्या कंप्लेंट है बताओ मुझे भी नहीं पता। बोले कि आप ध्यान नहीं देते मतलब ऑफिस के काम के अंदर, ऑफिस में दूसरा कुछ करते हो। तो मैंने बोला सर मैं तो ऑफिस में का जो भी टास्क मुझे देते हैं मैं तो बिफोर टाइम डिलीवर करता हूँ, मैंने कभी भी एक रिपोर्ट डिली नहीं किए, फटाफट कर देता हूँ। और कुछ करता हो दूसरा काम तो इफ यू टेल आई विल नॉट डू, मतलब मुझे किसी ने बोला नहीं, आपको लगता है मैं तो कुछ यही करता हूँ मतलब चैरिटेबल वर्क करता हूँ पॉजिटिव, एंड दैट टू आई डू आउट ऑफ माई इंटरेस्ट क्योंकि मैं फ्री रहता हूँ, बट अगर आप कहोगे कि नहीं करना तो आई विल नॉट डू। तो जब मैंने ये सब बोला तो फिर थोड़ा मेरा मैनेजर ऑफेंड हो गया, बोला नहीं नहीं आप थोड़ा ध्यान दो ये दो वो दो, एंड डायरेक्टर को बोला मतलब बिकॉज आई टोल्ड हिम ना कि मैं इतना काम डिलीवर कर रहा हूँ कभी डिले नहीं किया, तो डायरेक्टर को तो अब बात समझ में आ गई। डायरेक्टर ने बोला नहीं अगली बार ध्यान रखो ऐसा मत करो और मुझे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। मैं बोला ठीक है सर आई विल टेक केयर, बट मेरा मैनेजर थोड़ा सा और चिढ़ गया, वो बोला कि नहीं ये इसको मतलब ही वॉज नॉट रियली हैप्पी विथ मी, भले आई अग्रीड कि भाई नहीं करूँगा, क्योंकि हो जाता है ना एक बार रिश्तों में जब खटास हो जाती है तो फिर वो बढ़ती रहती है। तो फिर वापस फिर उसने क्या किया ना कि मैं मान लीजिए अगर छोटी मोटी गलती हो जाती थी तो फिर उसको बड़ा चढ़ा के पूरी टीम को ईमेल भेज देता था कि प्रफुल यू हैव डन दिस मिस्टेक दैट मिस्टेक। अब मैं बोलता था हाँ भाई मिस्टेक तो मेरी हुई है, मैं भी अपोलोजाइज वगैरह करता था, बट यू नो द रिलेशनशिप वॉज नॉट हारमोनियस, कुछ तो था मतलब वो मजा नहीं आ रहा था। फिर मैंने योग का प्रयोग किया, मैंने बोला यार अगर मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करूँ कि मैं सही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, या छोटी सी गलती को क्यों बढ़ा रहे हो, दिस थिंग्स विल नेवर वर्क बिकॉज ये छोटी छोटी बातों से और बड़ा ही होगा, दे विल फाइंड मोर चांसेस। तो फिर मैंने क्या किया, नुमा शाम 7 days एक प्रयोग किया, मैं अपने मैनेजर को इमर्ज करता था योग के दौरान, एंड बाबा से बहुत पावरफुल शक्ति लेकर उन्हें देता था कि मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया है, आई एम एंजॉय माई वर्क, इवन वो एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ काम करके, और यू नो वी आर हैविंग वी टुगेदर आर ब्रिंगिंग द कंपनी गोल्स इनटू प्रैक्टिस, ऐसे बहुत अच्छा विजन बनाता था और बाबा से ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो मैंने हार्डली एक हफ्ता किया रहेगा ये प्रैक्टिस, एंड आई सॉ दैट आफ्टर दैट 1 week धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया। तो मैं मैनेजर वो जो वीपी थे वो स्टार्टेड सपोर्टिंग मी फॉर वॉट एवर रीजन्स, एंड वापस रिलेशनशिप अच्छा हो गया। एक बार क्या हो गया मतलब उसके जस्ट 2-3 हफ्ते बाद मतलब आई डिड अ वेरी बिग मिस्टेक, मतलब बिग मिस्टेक मतलब क्या हो गया था, जैसे समझ लो मिलियन लिखना था 1 million, तो 1 million की जगह मैंने शायद 2 0 गलती से ऐड कर दिया, तो वो मतलब काइंड ऑफ बिलियन हो गया था, 100 million हो गया था। तो उसके कारण क्या हो गया था, वो रिपोर्ट आगे आगे जाके मुझे पता नहीं चला था, इट डिडंट एक्चुअली स्ट्राइक मी, कंट्रोल से मैंने चेक नहीं किया, मेरे से भी मिस्टेक थी, मिस्टेक छोटी थी बट इट वाज नॉट अ स्मॉल मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक होगी ना, 2 zeros हम भूल गए तो दैट इज मतलब 2 zeros मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए। तो वो आगे की रिपोर्ट में जाके आफ्टर 2-3 days एकदम फाइनल रिपोर्ट के अंदर एकदम नंबर्स वॉज वेरी डिफरेंट, एंड देन फिर क्वेरी वेरी आए तो पता चला कि आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्पेसिफिक इनपुट, और फिर बाद में मैंने फटाफट उसको रेक्टिफाई किया, ड्रॉप अ ईमेल की नहीं दिस इज द राइट नंबर दिस एंड दैट, वो सब चीजें हो गया,
एंड मैंने बोला अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई अभी तो, मे बी आई कैन बी इवन फायर्ड फॉर दैट। तो उसी के नेक्स्ट डे कुछ दोपहर को मैनेजर ने मुझे बुलाया, वही मैनेजर जो मेरे से रूठे हुए थे, ही कॉल्ड मी टू हिज केबिन। इसने बोला प्रफुल एक बार आते हो क्या? मैंने बोला आता हूँ मैं। एंड दैट टाइम आई वॉज लाइक कि अरे अभी तो पता नहीं क्या होगा, अभी तो अच्छी खासी क्लास होने वाली मेरी, बिकॉज इसके पहले तो बहुत छोटा मोटा माइनर कुछ होता था तभी ये इतना बात को बढ़ा देता था, अभी तो बहुत बड़ा है। तो मैंने बोला बाबा आ जाओ मेरे साथ, पता नहीं अभी कुछ खैर नहीं, उस केबिन में मैं जाऊंगा और आप जाओगे और आपको ही सब हैंडल करना है। एंड बहुत ऐसे डर डरा के मैं गया केबिन में एंड आई सैट। और उसने बोला हाँ प्रफुल कैसे हो क्या है? लकी अरे मैं बहुत बिजी था, लाइक मैनेजर वॉज चलिंग, पिछले हफ्ते हमारी ठीक से बात नहीं हुई, हाउ आर थिंग्स। फिर मैंने शायद एक बार मधुबन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने बोला अरे आपने आपको जाना था ना माउंट आबू, यू कैन गो, आप खाली बैकअप बैकअप रख के जाना एंड आपको छुट्टी मैं अप्रूव कर दूंगा एंड दिस एंड दैट। तो मैंने बोला सर वो आपको पता है क्या, वो एक मेरे से मिस्टेक हुई थी परसों, वो एक रिपोर्ट का। तो उन्होंने बोला हाँ वो देखा था मैंने ईमेल अपने, उसमें अपोलॉजीज लिखा था, कोई बात नहीं होता है, वो ह्यूमन एरर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आगे से ध्यान रखना। एंड बस उसने मुझे हैंडशेक किया और मैं बाहर बाहर आ गया। तो मैंने बोला अरे ये मिस्टेक तो उन्होंने कुछ हाईलाइट की ही नहीं, और जो बाकी चीजें थी हेलो हाय नॉर्मल टॉक हुआ। तो मैंने बोला कि अगेन दिस इज मैजिक ऑफ द योग। तो योग के अंदर जब भी हम योग का प्रयोग करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जो खटास होते संबंधों में, तो परिवर्तन हो जाते हैं। इसका पूरा श्रेय मैंने बाबा को ही दिया, बिकॉज वो जो प्रैक्टिस जो मैं योग का करता था दैट रियली हेल्प मी। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने ये बहुत प्रयोग किया अलग अलग जगह पर, जिधर भी ऐसे नेगेटिविटी सिचुएशन होती थी इमर्ज कर जाता वो व्यक्ति को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे देता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कभी कभी वो 2-3 दिन में हो जाता है, कभी कभी 1-2 हफ्ते लग जाते हैं, डिपेंड्स कितना इंटेंसिटी है हमारे कार्मिक अकाउंट्स का। तो वो आज तक भी मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस अच्छी हो जाती है। सेम थिंग फिर सेवा के अंदर भी ऐसे बहुत आते हैं, मैंने तो आपके साथ लौकी की शेयर की है, बट सेवा में भी बहुत सारे हो जाते हैं, कभी कभी कुछ ब्राह्मण फैमिलीज के ना टसल हो जाते हैं। बट मैंने एक चीज और देखा, अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहता है ना, इफ यू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी रहती है मन में, एक चीज है और हम बोल रहे कुछ और है, अगर इस प्रकार से है तो फिर बैरियर्स बढ़ते हैं। बट ब्राह्मण फैमिली में भी अगर हमारा सिस्टर्स को साथ क्लियर कम्युनिकेशन है, दीदी ऐसा मेरा थॉट था, बाकी आप बताओ, एंड वी स्ट्राइक आउट द बैलेंस ऑफ मालिकपन एंड बालकपन बहुत अच्छे से, तो फिर ये सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में हो जाती है। तो अनुभव तो बहुत है, अनुभव तो कितने सबको, आपको भी अनुभव हो गए, बट आई जस्ट थॉट मतलब अपने जीवन से कुछ कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूं। थॉट तो नहीं किया था, एक्सटेम्पो जो बाबा ने याद दिलाया वो मैंने बताया आपके साथ। तो बट थैंक्स, आप पिछले 1.5 घंटे से हमें सुन रहे, सो रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल फॉर मुझे अपने चांस दिया। आई एम सो हैप्पी कि अनुभूति रिट्रीट सेंटर जो मैं 8 साल पहले विजिट किया था, आई गॉट अ चांस टू अगेन कनेक्ट विथ देम, दीदी से भी मुलाकात हुई, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल फॉर गिविंग मी चांस। इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चन एक हाथ ले सकते हैं, अदरवाइज वॉट एवर रूपाली दीदी आप जो भी कहें वी कैन देन। जी, किसी को कोई प्रश्न हाँ हैंड रेज कर सकते हैं। भाई जी को हम सुन रहे थे तो मैं तो लग रहा है हम मुझे ऐसा लग रहा था मैं सुनती रहूँ सुनती रहूँ। एक्चुअली मैं भी पुणे से हूँ और जीपीओ सेंटर से कनेक्टेड, ऊपर आपका हमेशा मैंने वहां नाम सुना है, तो आज सुनने का मौका मिला आपको, तो मेरी पावरफुल और इंस्पिरेशनल क्लास है हुई, बहुत सारे अनुभव सुने। किसी को कोई प्रश्न है? ये आपको अनम्यूट करती हूँ। जी रश्मि, यस आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, प्रश्न तो नहीं है पर बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिली। आपका अनुभव बहुत अच्छा था, कितना भी हुआ फिर भी आपने कुछ यू आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड यू नो ऑल। आई आल्सो हैव अ ब्रदर हु इज डेफ एंड ब्लाइंड एंड ही आल्सो बिकेम अ इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियर हियर इन यूएस। वेरी So नाइस, is I can see that you, it's very commendable that what you have gone through is really
कमांडेबल, और आपने बहुत 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 अच्छा किया, बाबा को साथ में रखा और बाबा के साथ में रहते हुए पूरा पढ़ाई फिनिश की, पूरा इतना आगे बढ़े, इट्स अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी, बहुत अच्छा है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू रूपाली बहन, थैंक यू बाबा, ऐसे अनुभव से भरे हुए आत्माओं को बाबा हमारे सामने भेजते हैं ताकि हमें भी वो इंस्पिरेशन मिले कि कैसे चैलेंजेस है हमारे सामने, तो ऐसे कोई चैलेंज नहीं है तो फिर भी हम क्यों इतना खुद को डीमोटिवेट कर देते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो नहीं होता है, सुबह मुरली में आना, अमृत वेला करना, सेवा करना, लेकिन भाई जी का जीवन ही प्रेरणा हमें दे रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही चैलेंजेस क्यों ना आए, पर देखो, और सिर्फ ऐसे नहीं कि ज्ञान में तो सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन अपना लौकिक जीवन में भी कितना सक्सेसफुल है ना, जहाँ की चैलेंजेस आते हैं तो छोटी छोटी चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने फिर, है ना, और साथ में बाबा है तो हमारे लिए तो वो इजी हो ही जाता है। यस, बाबा की शक्ति हमें आगे बढ़ाती है। और कोई? यस लता बिन, प्रफुल भाई आप में बहुत बहुत ग्रेट विल पावर है और बाबा पर अटल विश्वास है, तो आप इस तरह आगे बढ़ते हैं जिंदगी में और सबको सिखाते भी हैं, तो हमारे लिए आप बहुत बड़ा एग्जांपल हो। थैंक यू बाबा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? रंजन मैम आप कर सकते हैं अनम्यूट अपने आप को। हेलो, ओम शांति। कोई भी कार्य करो तो त्रिकालदर्शी होकर करो, तो भाई साहब ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? जी, त्रिकालदर्शी का मैंने क्या अर्थ समझा है कि दो अर्थ है, एक तो जैसे आदि मध्य अंत का नॉलेज, और एक है बिगर पिक्चर। जैसे मान लीजिए अगर मैं पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ और मैं अगर मुझे अगर सामने का देखना है तो फिर मैं शायद देख नहीं पाऊंगा, बिकॉज पहाड़ एक ऑब्स्टिकल है। मुझे सामने का देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे पूरा व्यू दिखेगा, पहाड़ के लेफ्ट साइड भी क्या है, राइट साइड भी क्या है, लेफ्ट उधर क्या, उधर भी क्या है। तो व्हेनेवर, तो उसका एक अर्थ ऐसा है कि जब भी मैं कोई कार्य शुरू कर रहा हूँ मैं केवल एक एंगल से नहीं सोचू कि भाई मुझे क्या फायदा देगा ये। त्रिकालदर्शी होना मतलब उसको सभी एंगल से सोचना कि भाई मैं अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, उसमें कंपनी का क्या हित होगा, या कोई सेवा है, खाली सेवा में अपने तरफ नहीं सोच सकते हुए सभी के एंगल से सोचना। तो उससे क्या हो जाता है कि जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक, तो 360 मतलब एक पूरा त्रिकाल, तीनों एंगलों से उसके अंदर से हमारा एक व्यू पॉइंट हो जाता है और कुछ मिस नहीं होता है। और दूसरा था, हमने ये देखा है कि जैसे बाबा बोलते हैं ना आदि मध्य अंत, तो ये सेवा करने कर रहा हूं मैं, बाबा ने ये टास्क मुझे दिया है, तो मेरी स्थिति अभी कैसी है और मेरी स्थिति ड्यूरिंग द सेवा कैसी रहेंगी और टुवर्ड्स द एंड कैसे रहेंगे। अगर ये पहले से मैं प्लान करके कोई कार्य करूंगा तो मैं वो कार्य एंजॉय करूंगा, अदरवाइज क्या होगा कि मैं वो कार्य के अंदर खो जाऊंगा एंड मेरी स्थिति फिर चेंज हो जाएंगी। तो कोई भी एक सामान लेके अगर हम बैठेंगे ना कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं और ये श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूं, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति भी बनी रहेंगी और उस स्थिति से जो भी हम कार्य करेंगे वो कार्य का इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। हम जैसे दादिया होते हैं ना, दादिया के पास इतने सारे चैलेंजेस आते हैं बट उनको पता है कि बाबा विल टेक केयर ऑफ थिंग्स और वो डिटैच होकर वो सारी चीजें करते हैं। तो डिटैच होना भी एक प्रकार से त्रिकालदर्शी होकर कार्य करना है। तो इस प्रकार से आई हैव इंटरप्रिटेड इट। ओम शांति। थैंक यू सर। ओम शांति प्रफुल ब्रदर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस एंड हाउ यू ओवरकेम विद बाबाज पावर्स। थैंक यू फॉर शेयरिंग रियली हेल्पफुल टिप्स। आई हैव वन क्वेश्चन, स्वमान में रहो इसका क्या अर्थ है? गुड क्वेश्चन। सो स्वमान में रहो, दैट डजंट रियली मीन कि मैं उस चीज को रिपीट करते रहो बार बार, जैसे हम लोग भक्ति में करते थे ना, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
It doesn't mean mere repetition, but it means like being embodiment of that, उसका स्वरूप बनना. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम अ सक्सेसफुल सोल, दिस इज फॉर एग्जाम्पल सोमन ऑफ माई डे, तो बिफोर स्टार्टिंग एनी टास्क आई रिमाइंड माई सेल्फ कि भाई ये जब मैं कार्य करूंगा आई विल फाइंड विक्ट्री इन दिस, एंड विक्ट्री इज समथिंग आई डोंट हैव टू थिंक मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा. आई से टू माई सेल्फ दैट आई एम अ विक्टोरियस सोल, आई एम अ सक्सेसफुल सोल, ये कार्य मुझे विक्ट्री मिलनी ही है. नाउ व्हाट हैपेंस इज वी जज द विक्ट्री मे बी विद अ टेंजिबल आउटकम. टेंजिबल आउटकम तो हो सकता है उसका विक्ट्री होगा ही होगा, बट समझ लो अगर नहीं भी होता है, बट फ्रॉम माई माइंड आई एम विक्टोरियस सोल, तो उससे क्या होगा ना कि उसका जो भी आउटकम रहेगा दैट विल नॉट इम्पैक्ट मी. तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इट कुड बी एनी सोमन फॉर दैट मैटर. तो सोमन मीन्स वॉट एवर पॉजिटिव एफर्मेशन आप लेते हो, मे बी आई एम अ विक्टोरियस सोल, आई एम अ सक्सेसफुल सोल, या मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, आई एम मास्टर, देर आर सो मेनी सोमन्स. आपने सूरज भाई के क्लास में अगर सुना होगा तो ही ऑलवेज एनकरेजेस कि भाई सोमन के अंदर रहो. बट फॉर मी सोमन में रहना मतलब टू विजुअलाइज दैट आई एम ऑलरेडी एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट, मैं उसका स्वरूप हूँ, और जो भी टास्क कर रहा हूँ आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट दैट टास्क विल अल्टीमेटली लीड मी टू दैट स्थिति. नॉट ओनली लीड मी बट इवन वाइल डूइंग दैट टास्क, वो कार्य करते समय भी मैं उस स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ. सो द मोर आई रिमाइंड माई सेल्फ द मोर आई एम एबल टू एक्सपीरियंस दैट. और मैंने बड़ों से सुना है शायद द मोर वी डू दैट प्रैक्टिस हमारा वो सबकॉन्शियस नेचर हो जाएगा. जैसे हम लोग कार चलाते हैं, वेन एवर ऑब्स्टिकल कम्स तो वी डोंट हैव टू थिंक क्या मुझे ब्रेक लगाना है क्या, लेट वेर इज अ ब्रेक, लेट मी सर्च फॉर इट. नहीं, मे बी शुरुआत में होता होगा वेन वी आर लर्निंग, बट एक बार जब भी हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं देन इट बिकम्स अ रिफ्लेक्स एक्शन. फटक से जब ब्रेक लगना है तब ब्रेक लग जाता है, वी डोंट हैव टू थिंक कि ब्रेक लगाओ या नहीं लगाओ. लाइकवाइज सोमन एफर्मेशन हेल्प्स अस कि शुरू शुरू में शायद हमको थोड़ा कॉन्शियसली रिमाइंड कराना होगा हमको कि आई एम नो विक्टोरियस सोल या आई एम सक्सेसफुल बींग वॉट एवर इट इज, बट इवेंचुअली दैट विल बिकम डीप रूटेड इन आर सेल्फ, वी डो विल नॉट हैव टू रिमाइंड आर सेल्फ, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा. थैंक यू, दैट इज हाउ आई इंटरप्रेट.